Hey everyone, welcome back. So the situation regarding GATE 22 exam is kind of serious at this point of time. Bahut students, I mean more than 20,000 students have signed the petition ki unhone chahta ki exam ko postpone karna, and I support their decision kyunki is time pe exam postpone hona zaruri hai. तो आप क्या कर सकते हो, आप ट्वीट कर सकते हो, आप इसी वाले हैशटैग पोस्टपोन गेट 2022 को यूज़ करके ट्वीट कर सकते हो, आप IIT KGP को टैग कर सकते हो, आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को टैग कर सकते हो. बट इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग समथिंग एल्स जो कि आपको करना नेसेसरी है अपार्ट फ्रॉम रेजिंग योर वॉइस, अपार्ट फ्रॉम प्रोटेस्टिंग कि गेट एग्जाम को आपको पोस्टपोन करना जरूरी है. बिकॉज आई ऑल्सो सपोर्ट यू, क्योंकि एट दिस टाइम कोई नहीं चाहता कि हम एग्जाम हॉल में जाए, हम कोविड इफेक्टेड हो जाए, या फिर हमारे पास अभी सिम्टम्स है, हम सिम्टम्स के वजह से एग्जाम हॉल में जाए एंड दे विल नॉट अलाउ मी टू सिट फॉर द एग्जाम. ऐसे कोई नहीं चाहता. रेजिंग वॉइस एंड प्रोटेस्टिंग फॉर देयर राइट्स इज एब्सोल्युटली अ नेसेसिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंड इनफैक्ट देर आर लॉट ऑफ वीडियोज जिन पे ये बात हो रहा है कि कैसे आपको गेट को पोस्टपोन कराना है, बट द मेजर पॉइंट इज मिसिंग इन ऑल द वीडियोज. कोई नहीं ऐसे इसको बोल रहे कि अगर पोस्टपोन नहीं हो जाए तो आप क्या करोगे. उसके लिए भी तो कुछ प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है. आपको डिसीशन अगर लेना है तो डिसीशन की पॉजिटिव भी साइड है, नेगेटिव साइड भी है. तो इतना वॉइस रेज करने के बाद भी अगर IIT कमेटी आपकी पोस्टपोनमेंट की रिक्वेस्ट नहीं अलाउ करेगा एंड गेट सही टाइम पे होगा, तो आपको कुछ स्टेप्स नेसेसरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. द फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली आपको हेल्थ के लिए ध्यान देना है. आप यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज आपको कोई कुछ भी तरीके से काफ एंड कोल्ड की सिम्टम्स नहीं होना चाहिए. आपको हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है. आप अगर कोविड पॉजिटिव भी हो, यू शुड गेट ऑल द मेडिसिन, क्योंकि अभी आपके पास 15 डेज की टाइम लेफ्ट है. तो इसी 15 डेज की टाइम आपके पास है जस्ट टू रिकवर फ्रॉम वॉट एवर द सिचुएशन यू आर करंटली इन. लोग इसके बारे में नहीं बात कर रहे. लोग हमेशा बोल रहे गेट पोस्टपोन हो जाए. अगर नहीं हो जाए भाई तो तुम क्या करोगे, लॉस आपकी होगी, उनके कोई लॉस नहीं होगा. ठीक है, लॉस आपकी होगी, आपकी एक साल वेस्ट होगी. आपको अगर कुछ सिम्टम्स की वजह से गेट एग्जाम कमेटी ने आपको नहीं अलाउ किया गेट एग्जाम देने के लिए, तो लॉस किसका होगा, आपका होगा. तो इसीलिए आपको इसी 15 डेज में ध्यान देना है आपकी हेल्थ के ऊपर. एंड द सेकेंड थिंग इज आपको प्रिपरेशन के ऊपर. लोग हमेशा इस टाइम मतलब प्रिपरेशन छोड़ के अभी बोल रहे हैं मैं ट्वीट करूंगा, मैं ईमेल करूंगा, मैं इसमें जाऊंगा, वो करूंगा. लेकिन भाई प्रिपरेशन तो तुम ध्यान से करो. प्रिपरेशन छोड़ के मेरे को बहुत लोग मैसेज करे कि भैया हमने प्रिपरेशन छोड़ दिया क्योंकि हमने कोविड पॉजिटिव हो गया, मेरा सिम्टम्स आ गया, मैंने प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे. ठीक है, अगर तुम्हारा हेल्थ कंडीशन ऐसे ही है कि तुम प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन अगर तुम परफेक्टली फाइन हो फिर भी तुम चाहते हो कि गेट पोस्टपोन हो जाए इसलिए तुम प्रिपरेशन बंद कर दे रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं, आपकी लॉस होगी. मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि अगर मतलब पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, उन्होंने एग्जाम पोस्टपोन नहीं किया था. तो अगर सेम सिचुएशन होगा इस साल भी, लॉस आपकी होगी. मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि डोंट मिक्स योर सेल्फ विथ ऑल ऑफ द पीपल. आप वॉइस रेज कर रहे हो, आप ट्वीट कर रहे हो, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. बट फिर भी आपको जो नेसेसिटी थिंग्स है जो आपके हाथ में है, आपके हाथ में तो एग्जाम पोस्टपोन नहीं है. आप अगर चाहोगे तो भी आप गेट को पोस्टपोन नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस द IIT KGP एंड द गेट कमिटी विल एनश्योर दैट अ गेट विल बी पोस्टपोन. आप कुछ नहीं कर पाओगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कोई लोग कुछ नहीं कर पाएंगे. दे सिर्फ और सिर्फ कैन ट्वीट, they see if a team can raise an issue, raise a voice, they can mail, and I also support those students. But वो मेरे हाथ पे या फिर आपके हाथ में किसी के हाथ में नहीं है. आपके हाथ में क्या है, आपको हेल्थ को रिकवर करना, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको इस टाइम पे करना है. आपको प्रिपरेशन को भी करना है एंड आपको हमेशा मतलब 100% प्रिपेयर होना है कि गेट एग्जाम परफेक्ट टाइम पे होगा एंड यू हैव टू रिकवर फ्रॉम ऑल ऑफ द नेगेटिव इशूज़ दैट योर हेल्थ इज़ फेसिंग. आपको अगर सिम्टम्स है उसको ठीक करवाओ. आपको अगर आइसोलेशन पे रहना होगा इसी 10-15 डेज में तो आप रहो. आपको अगर आपकी फैमिली की अगर कुछ हेल्थ कंडीशन ख़राब है तो आपकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर ध्यान दो. सो जस्ट फोकस ऑन व्हाट ऑन योर हैंड. डोंट अननेसेसरी फोकस कि आपके हाथ में जो नहीं है उसके लिए अननेसेसरी फोकस मत करो. ठीक है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ अगर एग्जाम नहीं पोस्टपोन होगा तो तुम क्या मेरे पास आके बोलोगे कि भैया तुमने तो बोला था एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, वो तो नहीं हुआ, हम क्या करें, एक साल वेस्ट हो जाएगा. लॉस आपकी होगी. एंड मैं कभी नहीं ये चाहूँगा कि आपके पास कोई सिम्टम्स की वजह से या फिर कुछ भी ऐसे कुछ रिलेटेड की वजह से आपकी एक साल या फिर दो साल की जो प्रिपरेशन है वो पूरा की पूरा वेस्ट हो जाएगा. ऐसे मैं कभी नहीं चाहता. इसीलिए आई सपोर्ट स्टूडेंट्स कि वो जो वॉइस इशू कर रहे हैं, वॉइस रेज कर रहे हैं एंड जो ट्वीट कर रहे हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड आई सपोर्ट ऑल ऑफ देम. बट फिर भी वो तो मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है. जो आपके हाथ में है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो. एंड आई विश यू
ऑल द वेरी बेस्ट. लेट्स सी व्हाट विल हैपन. यू नो 10-15 डेज में क्या हो सकता है, वी डोंट नो. समथिंग विल हैपन. इफ दैट हैपन कि गेट पोस्टपोन हो जाएगा तो दे विल डेफिनेटली नोटिफाई यू इन द कमिंग डेज. अगर नहीं हो पाएगा तो यू नो बैड लक, बट स्टिल यू हैव टू डू व्हाट यू हैव इन योर हैंड इन द अपकमिंग 10-15 डेज. ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द गेट 22 एस्पिरेंट्स. अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हो. आपके अगर कोई ओपिनियन है तो डेफिनेटली आपको कमेंट करके बताना. सो बस मिलते हैं अगले वीडियो पे. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.